तो जल्दी से हम लोग अपने कंटिन्यू पार्ट करते हैं अपने प्रीवियस पार्ट को। तो गाइस यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। 16 तक मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करा दिए हैं पार्ट ए में, ये पार्ट बी है। तो हम इस पार्ट को भी बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। तो गाइस क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक जन कस्बे की जनसंख्या हमें 176,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो क्वेश्चन हमसे दो पुटअप कर रहा है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी और 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पे मतलब कि एक बाद का पूछा और एक पूर्व का पूछ रहा है, बिफोर एंड आफ्टर दो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जा रहे हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो है इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर फैक्टर एंड देन इक्वलेंट टू फाइनल वैल्यू। तो गाइस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ओके, क्योंकि ये ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसी का ही यूज़ हम लोग दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि कस्बे की जनसंख्या 176,400 है। तो मतलब क्या है, क्वेश्चंस अगर हम लोग पहला सॉल्व करें तो देखिए हमसे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो मतलब कि 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, इट मींस हमसे यहाँ पे फाइनल वैल्यू पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चंस में इसमें हमसे फाइनल वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इनिशियल वैल्यू हमें दे रखी हुई है, इनिशियल वैल्यू यहाँ पर हमारी कौन सी है, 176,000। तो ये हमारा 176,400 ये हमारा इनिशियल वैल्यू हो गया मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए यहाँ पे 5% क्या है रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए हमें इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए जब 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल, तो इसका हम लोग मल्टीप्लायर फैक्टर निकालेंगे 100+5। तो ये कितना हो जाएगा, 105, और इसमें हम दो प्लेस पे पॉइंट लगा देंगे, तो कितना हो गया 1.05। तो यही हमारा हो गया। तो कितने साल का, 2 साल का है, तो 2 साल पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन इसको जब हम लोग अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल वैल्यू, क्योंकि आफ्टर पूछ रहा है ना 2 वर्ष बाद। तो गाइस इसको अब आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 194481। सो गाइस फाइनल वैल्यू जो आ गई हमारी वो आएगी 194481, दिस इज नाउ आवर आंसर। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, इसी फॉर्मूले से करेंगे, इसी मेथड से ही करेंगे, बस वैल्यू बदल जाएंगी। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है पूर्व पहले की क्या होगी जनसंख्या। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ये हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी कितनी, 176,000। तो देखिए ये हमारा 176,400 ये फाइनल वैल्यू हो जाएगी, और देन हमसे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हम आई वी लिख देते हैं एंड देन मल्टीप्लाई बाय फिर वही 1.05 एंड मल्टीप्लाई 1.05। तो देखिए अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, इनिशियल वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये हमारा आई वी हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.10 हमारा आ जाएगा 2 एंड देन इक्वलेंट टू 176,400। तो देखिए हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा 176,400 डिवाइड बाई 1.102। तो यहाँ से अब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 16,000 अराउंड आ जाएगा, मतलब एक अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी, तो हम ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो प्लीज़ ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल करिए इस तरह की, क्योंकि ये जो मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दिया है ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज में भी यूज़ होगा, और वहाँ पे भी हमने देखा था, और SICI में भी इसका यूज़ बहुत अच्छे से हो रहा है। एंड वन मोर थिंग गाइस कि यहाँ पे हमने 100+5 क्यों किया है, क्योंकि क्या है ना कि इंक्रीज़ हो रहा है, अगर यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता 5% तो हम लोग 100-5 करते तो 95 हो जाता, दो प्लेस पे जीरो लगा देते तो हमारा 0.95 हो जाता, ये वैल्यू हो जाता, लेकिन हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में इंक्रीज़ कह रहा था, बढ़ रहा है। ओके देन नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चलते हैं। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह
5,580 मतों से पराजित हुआ, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे हमसे क्या है 100% पूछा जा रहा है कि टोटल हमारे जो मतदाता थे कितने थे। तो अब देखिए हम यहाँ पे एक चुनाव हो रहा है, तो देखिए कोई भी चुनाव होता है तो 100% होता है ना। तो इसमें से क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवार थे, इसमें से दो उम्मीदवार थे, तो ये हमारे कैंडिडेट वन एंड कैंडिडेट टू। तो फिर क्या कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिले। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे C2 जो हमारे कैंडिडेट टू हैं इनको 41% वोट मिले और ये क्या हो गए, ये हार गए हैं, लॉस हो गया इनको। तो अब हमें तुरंत कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि जो जीता है कैंडिडेट उसको कितने परसेंट वेट वोट मिले होंगे, 59, क्योंकि टोटल इन दोनों का टोटल कितना 100 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आगे पढ़ते हैं। तो वह 5,580 मतों से पराजित होता है, मतलब कि क्या है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है कैंडिडेट वन और कैंडिडेट टू का, इनका जो डिफरेंस है ये हमें दे रखा है 5,580। सो देखिए गाइस अब यहाँ पे हम लोग यूनिटरी मेथड फॉलो करेंगे। तो देखिए इनका ये डिफरेंस हमें कितना दे रखा है, इनका डिफरेंस हमारा हो जाएगा 18%, और ये 18% हमारा किसके इक्वलेंट दे रखा है, ये हमारा 5,580 मतों के। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे या 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 5580 डिवाइड बाई 18, तो यहाँ से ये वैल्यू हम लोग कट करेंगे तो डायरेक्टली देखिए कट जा रहा है 310, और हमसे क्या है 100% की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो हमारा मानना है कि 100% होता है, तो बस यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड फॉलो किया है, तो हमारा 100% की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो देन 100% मल्टीप्लाई बाई 310, तो यहाँ से हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 31,000, 31,000। तो गाइस नाउ दिस इज अवर आंसर। ओके चीजें आप समझ गए होंगे, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हमारा कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार में कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7,500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। अब देखिए गाइस मतलब कि यहाँ पे क्या है कि कुल मतों की संख्या कितनी है 7,500, तो मतलब क्या है ये हमारा 100% है, कितना 7,500। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है कि 20% क्या है मत क्या है अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड घोषित कर दिए गए। तो ये 20% जो इनवैलिड किए गए हैं इनको हमें हटाना है। तो देखिए अब इनको हम कैसे हटाएंगे, तो देखिए 100% तो हमारा कितना है 7,500 है, तो इसमें हम 20% माइनस कर देते हैं। तो ये कैसे करेंगे, देखिए 7,500 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100 एंड डिवाइड बाई ये हमारा 100 हो जाएगा। तो देखिए ये दो जीरो हमारे कट जाएंगे, दो जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, तो कितना हमारा आएगा, इसको हम 750 को हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1,500 आ जाएगा। तो देखिए ये जो 1,500 हमारे इनवैलिड हुए हैं इनको हमें हटाना है। तो बस अब देखिए ये 7,750 हमारा है, तो इसमें से हमें इनवैलिड हटा देना है। तो ये 7,500 जो हमारे मत से संख्या थे वोटर थे इनको हमें माइनस कर देना है 1,500 में। तो ये टोटल वोटर कितने हो जाएंगे अब हमारे पास 6,000, तो ये हमारे पास आ गए 6,000 वोटर। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि 1,500 जो ये हुए हैं ये हमारे इनवैलिड हो गए हैं, इनका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, मतलब कि क्या है जो कैंडिडेट वन था उसने कितना मत प्राप्त किया है 55% प्राप्त किया, टोटल कितना है 6,000 है। तो हमें दूसरे कैंडिडेट का पूछ रहा है कि दूसरा कैंडिडेट का कितना मत था। तो देखिए गाइस अब हमें पता है कि ये जो 6,000 है ये हमारा क्या है 100% वैल्यू होगी। तो अब हमें यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी वो इन यूनिवर्सल
यूनिटरी मेथड यहाँ पे हम लोग अब यूज़ करेंगे। तो देखिए 100% हमारा कितना हो जाएगा 6000, एंड देन यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो 6000 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा कट के, ये हमारा आ जाएगा 60। सो हमें यहाँ से हम लोग ये जो 55% है इसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए 55% हम लोग निकाल सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाई 55, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3300 आ जाएगा। ओके सो गाइस बात को नोट कीजिएगा कि हमने कैंडिडेट वन जो है इसके हमने 55% वोट निकाल लिए, कितने 3300 हैं, और टोटल वोट कितने थे 6000। तो हम ये वोट इससे माइनस कर देंगे तो हमारे C2 के ना आ जाएंगे, तो बस वही करेंगे। तो 6000 माइनस 3300 करेंगे तो हमारे वोट C2 पे आ जाएंगे, मतलब कि दूसरे उम्मीदवार के जो हमारा कैंडिडेट है उसके आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2700। तो नाउ दिस इज़ आवर आंसर। तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो देखिए ये हमारे दूसरा कैंडिडेट कितना पाया है 2700। सो गाइस दिस इज़ नाउ आवर आंसर। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे कि हमने यहाँ पे प्रोसेस वाइज क्या बताया आपको, ठीक है। अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें व्हाट्सएप में हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए जो ये हमारा पेटीएम नंबर है यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, एंड गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी बिकॉज योर सपोर्ट इज़ आवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आई नो कि आप लोग हमारे चैनल से बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो अब उसके बदले में आपको भी हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, और क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% जो है मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब क्या उन्होंने वोट नहीं दिया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित किया। सो गाइस हमें बताना है कि इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, मतलब क्या है कुल कितने मतदाता थे, मतलब इसका क्या हुआ कि हमें 100% बताना है कि कुल टोटल जो हमारे जो वोटर्स थे उनकी संख्या क्या थी। अब देखिए गाइस इसको थोड़ा सा लॉजिक बेस पे समझिएगा कि हम यहाँ पे क्या क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। देखिए कोई भी चुनाव होता है तो क्या है 100% होता है ना। अब देखिए 100% होता है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इस चुनाव में 8% क्या है मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब कि टोटल 100% चुनाव होने थे लेकिन उनमें से 8% जो वोटर्स थे उन्होंने वोट नहीं दिया, तो टोटल जो वोट पड़े कितने प्रतिशत पड़े 92% पड़े, मतलब हमने इसको माइनस कर दिया तो ये कितना है 92% आ गया। एंड देन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट फिर क्या कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित किया। इट मीन्स यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये जो 92% वोट पड़े इसमें से जो हमारा विनर था उसको कितना मिला 48% वोट मिले। तो अब देखिए जब 40 वोट इसको मिले तो दूसरे वाले जो लॉस ये विनर हुआ है और ये लॉस होने को कितने मिले होंगे 44%, तो ये क्या है लॉस हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्रॉस बना दे रहे हैं। एंड देन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनका जो डिफरेंस है वो इसके बराबर है 1100 के। तो देखिए यहाँ से इसका डिफरेंस कितना है 4 यूनिट, और 4 यूनिट इक्वलेंट टू कितना है हमारा 1100, एंड देन यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा 1100 डिवाइड बाई 4 करेंगे और वैल्यू को हम लोग कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 275। अब 1% की वैल्यू आ गई और हमें 100% की वैल्यू निकालनी थी। देखिए यहाँ पे हमने कहा नहीं था कि हमें 100% निकालना है, तो बस ये 100% की वैल्यू निकालनी, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 275, देन हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया 275, और ये 20 यहाँ आ जाएंगे, तो हमारा कितना हो गया 27500 वोटर्स थे। तो दिस इज नाउ गाइस आवर आंसर। आई नो कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, हमने क्या चीज़ें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की हैं। तो प्लीज़ गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग को अब ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे 23, 24, 25 हैं ये एक ही कॉन्सेप्ट में हैं, और इसीलिए मैं इन
क्वेश्चंस को मैं एक साथ ही करा दे रहा हूँ, इसीलिए मैं क्वेश्चंस तीनों को एक साथ लिख रहा हूँ। और इसका अप्रोच सिंपल है, जो मैं आप लोगों को SICI में मैंने आपको इफेक्टिव परसेंटेज रेट निकालना सिखाया था वो मैंने किससे बताया था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से बताया था ना, बस उसी का यूज़ यहाँ पे होना है, पूरा टोटली हम इसी का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये आप चीज़ जानते होंगे, अब यूज़ करना भी देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला कुछ नहीं बताएंगे, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स। यू नो कि मेरा चैनल शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच ही सिखाता है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रमेश के वेतन में क्या है, 20% वृद्धि कर दी गई है। जैसे ये रमेश का वेतन है, उसमें 20% की क्या है, इंक्रीमेंट कर दिया गया। देन बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो मतलब जो 20% बढ़ा है, तो 20% कम करने पे रमेश को कितने प्रतिशत का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो बस हम लोग यहाँ पे अपने फॉर्मूले पे ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 पे नोट करेंगे और आंसर देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा इंक्रीज है तो क्या है, पॉजिटिव, और ये हमारा डिक्रीज हो रहा है तो क्या, निगेटिव। बस यहीं पे हम वैल्यू रखेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा एंड देन दिस इज़ नाउ आवर बी। तो देखिए, +20 एंड प्लस का साइन होता है एंड -20 एंड प्लस, फिर हमारा 20 हो जाएगा एंड -20 डिवाइड बाय 100। तो गाइस यहाँ से देखिए, ये क्या है, ये हमारा प्लस माइनस कट जाएगा एंड देन ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएंगे, तो ये क्या, दो दो बचे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -4। अब देखिए, -4 आने का मतलब क्या है कि लॉस हुआ है, और यही अगर पॉजिटिव में आता तो प्रॉफिट होता हमारा। तो यहाँ से कितना लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है रमेश को, दिस इज़ नाउ आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले क्या कमी गई, डिक्रीज की गई, फिर क्या है, वृद्धि किया गया है। तो बस देखिए, कमी की गई तो क्या है, -10, और वृद्धि की गई है तो +10। तो फिर हम लोग वही अपना यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये हमारा -10 हो जाएगा +10 एंड देन प्लस, फिर हमारा क्या है, -10 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। तो गाइस यहाँ से देखिए, हमारा ये प्लस माइनस कट जाएगा एंड ज़ीरो से ज़ीरो ये कट जाएंगे, तो हमारा कितना आ गया, -1%। तो टोटल जो है राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 1% की लॉस होगा, कमी होगी जिसे कहते हैं। सो दिस इज नाउ आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है आज के सेशन का। एक आयत की लंबाई में 10% की क्या, वृद्धि की गई है एंड फिर क्या है, उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की गई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो फिर वही, कमी होगी तो माइनस होगा, अगर वृद्धि होगी तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो देखिए, 10% क्या है, वृद्धि की गई है, और फिर उसके क्या है, लंबाई में, और फिर क्या है, चौड़ाई में 10% की कमी की गई है, तो माइनस। तो फिर वही हम यहाँ पे अपना रखेंगे वैल्यू, और जो हमारा अल्टीमेटली आंसर आएगा वो हमारा आएगा, इससे पहले जो हमने 24वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम एज इट इज़ है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 1% की कमी होगी, दैट इज़ ओके। सो गाइज, दिस इज़ नाउ आवर आंसर। और गाइज, 20 जो हमारा 6 क्वेश्चन है, इसका शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, और इसका अप्रोच अगर मेरे को आ जाएगा तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक ज़रूर आपको सिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26 एंड नाइक गाइज, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके कवर कर दिए हैं परसेंटेज से। तो अब हम लोग अपने जो नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, वो हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस टफ हैं उनका मैं शॉर्ट ट्रिक अप्रोच में क्वेश्चंस में वीडियो सोल्यूशन दे दूंगा आप लोगों को। तो इससे आप लोगों को भी बहुत सी ईजी हेल्प हो जाएगी अपने आरएस अग्रवाल को बुक को ख़त्म करने में। ओके गाइज, एंड गाइज, वन मोर रिक्वेस्ट, आप हमारे YouTube चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन को सपोर्ट हेल्प कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं कोचिंग्स में आप लोग नहीं सीख पाते, वह मैं अपने चैनल पर सिखाता हूँ, क्योंकि ऐसा ही है, क्योंकि सारा बच्चा अब YouTube में पढ़ रहा है, क्योंकि कोचिंग्स में सिर्फ एक बिजनेस बना दिया है। सो चीज़ें आप भी समझ रहे होंगे कि हम अपना टाइम कितना इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपको भी हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। सो प्लीज़ गाइज,
सपोर्ट माई चैनल बिकॉज योर सपोर्ट इज़ अवर कॉन्फिडेंस. थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट.